डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। वो इसलिए बताया था ताकि बिजनेस इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, तो उसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिकली मैंने आपको बता दिया, आज हम और पढ़ते हैं थोड़ा। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कई जगह बुक्स इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहती है। ये है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के बारे में आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर काफी सारी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। इकोनॉमिक्स एक काफी पॉपुलर सब्जेक्ट है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, पुराने टाइम से चल रहा है। इसको पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। अर्थशास्त्र एक बुक है कौटिल्य की, तो उसके अर्थशास्त्र के अंदर भी इसका जिक्र है। लेकिन वो उसमें भी क्या था, स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया था, राजा को कैसे काम करना चाहिए, राजनीति के बारे में कुछ था, जासूसी के बारे में कुछ था। तो ये पुराने टाइम में पॉलिटिकल इकोनॉमी होती थी। इकोनॉमिक्स जो था एक तरह से पॉलिटिक्स का, स्टेट क्राफ्ट का पार्ट हुआ करता था। आगे से आगे इसमें नई नई थ्योरी जुड़ती गई और ये एक बहुत पुराना सब्जेक्ट बन गया, इसमें काफी चीजें आ गई। तो इकोनॉमिक्स जो है एक अलग किस्म का एक सब्जेक्ट है, पुराना सब्जेक्ट है। और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये जो इकोनॉमिक्स था, इसके बारे में सोचा गया कि इसका यूज क्या है बिजनेस के अंदर, और इसको बिजनेस से इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। और यही एक समय हुआ करता था जब फेयोल आए, टेलर आए, तो हमने बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर उनके भी प्रिंसिपल्स पढ़े। आपने बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर फेयोल के सिद्धांत पढ़े हैं, आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा टेलर का, आपने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट एक और सब्जेक्ट है जो भी उसी टाइम बन रहा था, और धीरे धीरे उसमें जो है बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैनेजर्स हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो भी अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे। और इकोनॉमिक्स भी है, काफी पॉपुलर हो रही थी, बड़े नाम थे उसमें, कीन्स थे। उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे उसके बाद फ्राइडमैन आए, अलग अलग सिद्धांत आए, आपस में उनका टकराव हुआ। तो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और एक सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। अब एक नया सब्जेक्ट उभर के आया जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो बेसिकली व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग बिजनेस। बिजनेस करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज करना स्टार्ट हुआ और इसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम दे दिया गया। इसका दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसलिए है कि मैनेजमेंट के काम आता है, बिजनेस मैनेजमेंट संभालती है आजकल। पुराने टाइम एक ओनर हुआ करता था, ओनर ही संभालता था, लेकिन अब मैनेजमेंट होती है प्रॉपर, और मैनेजमेंट बिजनेस को करती है। वो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का यूज करती है, दूसरे सब्जेक्ट्स का यूज करती है, मैथ्स वगैरह का यूज करती है। किस लिए? बिजनेस को चलाने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए। तो इकोनॉमिक्स का यूज करना है बिजनेस के लिए, उसको कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, दैट इज व्हाट वी नो एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये एक चीज है। अब इसकी प्रवृत्ति क्या है? तो इसलिए आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पिछले में अच्छे से समझाया था कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर क्या है बेसिकली। एक तो ये नया सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स पिछले कुछ सालों में ज्यादा पॉपुलर हुआ है, पिछले कुछ दशकों में इसमें इसने स्ट्रेंथ गेन की है। इसके मुकाबले ये नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के मुकाबले, लेकिन उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इकोनॉमिक्स क्या है? थ्योरी है, सिद्धांत है, किताबी बातें ज्यादा है उसके अंदर। इसके अंदर हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं उस इकोनॉमिक्स का, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर आप ये मान सकते हैं कि इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये बिजनेस है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इसका एक हिस्सा है, इसका एक माइक्रो पार्ट है, और वो बिजनेस की पॉलिसीज भी लेता है। कुछ बिजनेस का पार्ट आता है, इकोनॉमिक्स की पॉलिसी लेता है, थोड़ा मैथ्स के प्रिंसिपल ले लेता है, मैथ्स का यूज हो रहा है, दूसरे और सब्जेक्ट हो रहे हैं, और इन कई सारे सब्जेक्टों से मिलकर वो यूज आता है। इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो भी आता है, माइक्रो भी आता है, एक बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन अब उसके अंदर जो माइक्रो नेचर है, माइक्रो पार्ट है, उसका ज्यादा यूज करके कुछ माइक्रो भी आता है, और एक सब्जेक्ट है जो यूज करता है इकोनॉमिक्स का, पूरी काम कहानी का हमको कुछ नहीं करना। अब इंटरनेशनल ट्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में एडम स्मिथ के टाइम से थ्योरी है, एक थ्योरी आई, उसने किसी का विरोध किया, उसके बाद दूसरी थ्योरी आई, तीसरी थ्योरी आई, कई सारी थ्योरी आई। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स कहता है मुझे उनसे क्या मतलब, आज के टाइम बताओ करना क्या है, करना क्या है डिसीजन मेकिंग, उसके लिए सब्जेक्ट यूज होता है। इसके अंदर मैथ्स का भी यूज होता है, मॉडर्न मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स टूल्स हैं। अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स का नाम सुना हो, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का यूज करके एक सब्जेक्ट है इकोनोमेट्रिक्स।
तो ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मैथ्स का, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का यूज करता है ताकि मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा काम कर सके, उस सब्जेक्ट को कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और इसमें जो फर्क है वो ये है कि इकोनॉमिक्स बड़ा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसका व्यवहारिक ज्ञान है निर्णय लेने के लिए उसका यूज करता है। एक ज्यादा रिफाइंड सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक नेचर का है। तो इसकी जो प्रवृत्ति क्या है, सूक्ष्म है। ये किसकी स्टडी करता है, एक फर्म की स्टडी करता है, जैसे बिजनेस की स्टडी करता है, पूरी इकोनॉमी की नहीं करता है, फर्म की स्टडी करता है। जैसे एक बिजनेस कैसे काम करेगा, उस बिजनेस को क्या करना चाहिए कामयाबी के लिए, प्रॉफिट के लिए, सर्वाइवल के लिए, क्या उसकी प्राइसिंग पॉलिसी होगी, कैसे उत्पादन करना है, कंज्यूमर क्या करना चाहता है, कंज्यूमर की डिमांड एनालिसिस है। तो माइक्रो में पढ़ते हैं ना ये चीजें, कल मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो बताई थी, तो माइक्रो में देखना फर्म के बारे में ज्यादा है, बिजनेस के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में है, जिसके माइक्रो इकोनॉमिक नेचर है। माइक्रो का यूज जरूर होगा क्योंकि बिजनेस कहां पनपेगा, वो अर्थव्यवस्था में पनपेगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट जरूरी है। सो बेसिकली क्या है ये स्टडी ऑफ फॉर्म है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फॉर्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो सैद्धांतिक रूप से भी उसका अध्ययन करता है, व्यवहारिक रूप से भी उसका अध्ययन करता है, फॉर्म की स्टडी है ये। अब और इसके बारे में जानते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। ये मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का यूज करता है, बिजनेस मैनेजमेंट का यूज करता है, एक प्रकार का क्या है आप कह सकते हैं हाइब्रिड सब्जेक्ट है, हाइब्रिड सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट से निकला है, इकोनॉमिक्स से निकला है और बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स का, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस। की डेफिनेशन देख लेते हैं, स्पेंसर और स्पीगल मैंने इसकी डेफिनेशन दी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज विद बिजनेस प्रैक्टिस। एकीकरण है आर्थिक सिद्धांतों का, हमने इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ी है ना, आर्थिक सिद्धांत, उनका एकीकरण किसके साथ है, बिजनेस प्रैक्टिसेस के, बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, वो क्या हम क्रियाकलाप होंगे हमारे, उसके साथ उसका इंटीग्रेशन है या समन्वय है। फॉर पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज विद बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज विद बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसका पर्पस क्या है, डिसीजन मेकिंग, मेन चीज ये है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए, फॉरवर्ड प्लानिंग, भावी नियोजन के लिए। हम अर्थशास्त्र में पढ़े तो बहुत कुछ, लेकिन अब करें क्या, आपको नक्शा दे दिया कि यहाँ पे ये चीज है, जैसलमेर यहाँ, जयपुर यहाँ, ये वहां, लेकिन जाना है कि नहीं जाना है ये तो डिसीजन लेंगे पहले, फिर कौन से रूट से जाना है, कैसे पहुंचेंगे, कॉस्ट क्या रहेगी, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, ये सब फैसले लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेना पड़ता है। बिजनेस क्या है, डिसीजन लेने के बारे में ही है, जो अच्छा डिसीजन लेगा वही अच्छा बिजनेस मैनेजर बनेगा। बिजनेस सक्सेसफुल तभी होगा जब अच्छा डिसीजन होगा, सही डिसीजन होगा। सो इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, दो बातें ही यहाँ मेन है। और ये इकोनॉमिक्स का जो निचोड़ निकाला है, एक तरह से इकोनॉमिक्स में जो सीखा वो इसलिए सीखा ताकि ये कर सके, यही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ सीखा लेकिन काम क्या आया, वो काम आने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि हम डिसीजन ले सकें और फॉरवर्ड प्लानिंग कर सकें, भावी नियोजन कर सकें, निर्णय लेने के लिए और भावी नियोजन के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है, फॉर पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग। ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन, सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है स्पेंसर और सीगलमैन की।